अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेल ये जो क्लब मॉडल है, अगर आप किसी भी चाइनीज़ मोबाइल का लॉक खोलना चाहते हैं या फ्लैश फाइल आपको चाहिए इस मोबाइल की फ़्लैश फाइल, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर किसी भी आप SPD मोबाइल जो कि 6531E मॉडल हो, यानी कि अगर इसका CPU 6531E हो, तो आप उसको किस तरह अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बूट की का तरीका बताता हूँ। MTK में बूट की नहीं होती, SPD में बूट की होती है। बूट की क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये कोई इसकी जो बूट की होती है वो बटन दबा के तो मोबाइल को केबल लगानी पड़ती है, तभी आपको टूल इसका कोड ख़त्म करके देता है। तो अगर दोस्तों आपको बूट की मालूम नहीं है, तो फिर आपके पास बूट जिग होनी बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास बूट जिग है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेरिकल बूट जिग। तो ये आपके पास हो तो फिर आपको बूट की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूट की जो है उसके बगैर मोबाइल कनेक्ट नहीं होता, तो हर दोस्त के पास बूट जिग नहीं होती। तो दोस्तों, बूट जिग किस तरह बनाई जाती है उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि अगर आपको बूट जिग बनानी पड़े तो आप किस तरह बना सकते हैं। अब दोस्तों, आपने बूट की किस तरह चेक करनी है? मैं फ़र्ज़ करें इसका इसके आपने दो बटन प्रेस करके रखने हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसका बटन, ये मेन्यू वाला ये बड़ा बटन जो है, इसको दबा के रखता हूँ और इसको पावर ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, ये पावर अगर ऑन हो जाता है तो ये इसकी बूट की नहीं है। तो ज़्यादातर इसमें बूट की जो होती है वो होती है स्टार, ज़ीरो, हैश, मेन्यू, कॉल बटन और बैक बटन। ये आप सबसे पहले चेक कीजिएगा, तो उसके बाद ही आप कोई सारे बटन, यानी कि होते तो सारे ही हैं लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं इसका स्टार का बटन दबा के तो ये ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये ऑन हो चुका है, ये भी इसकी बूट की नहीं है। तो ज़ीरो वाला बटन दबा के, तो इस तरीक़े से दोस्तों आपने, अगर आपके बूट की आपको नहीं मालूम तो आप इस तरह आपने मोबाइल की बूट की ढूंढ सकते हैं। तो हमने किस तरह मालूम करनी है? अब ज़ीरो भी चेक हो गया, अब हैश का बटन मैं दबा के रखता हूँ तो ऑन करता हूँ दोस्तों, तो इस पे भी ये ऑन हो गया। अब मैं इसका मेन्यू वाला ये बटन दबा के रखता हूँ, इस पे ऑन करता हूँ, तो इस पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। मैं दोबारा से एक दफ़ा बैटरी निकाल के डाल के चेक करता हूँ, ये मेन्यू वाला बटन दबा के, तो इसको मैंने ऑन किया है, ये आप देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इस तरीका की मदद से हमें बूट की इसकी मालूम हो गई है कि इसकी बूट की क्या है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल कूल सेंट का है, RDA कूल सेंट का मोबाइल है, तो फिर आपको बूट की ज़रूरत नहीं है, फिर उसकी ज़ीरो ही होती है। जब आप लगाएंगे मोबाइल तो मोबाइल जब चार्जिंग करना लग गया, चार्जिंग जब शो हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, तो आपने ज़ीरो का बटन तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए दबा के रखना है, तो मोबाइल खुद ब खुद डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। इसका मतलब है कि वो कूल सेंट का मोबाइल है, वो SPD का नहीं है। अब दोस्तों, मैं इसको, जैसा कि आपको बताया कि इस मोबाइल को हमने अनलॉक करना है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि इस मोबाइल में एक कोड लगा हुआ है जो कि हमें नहीं मालूम। 1 2 3 4 ये मैंने डायल किया है, उसके बाद ये नहीं काम कर रहा। तो 0 0 0 0, अमूमन ज़्यादातर यही कोड होते हैं, या फिर 1 1 2 2, ये भी किसी किसी ने लगाया होता है, लेकिन ये सारे कोड इस पे वर्क नहीं कर रहे। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने इसका कोड किस तरह अनलॉक करना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा जो हमारी नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकेगी। अब दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कोने में आपने ये इस एरो तीर जो है इसके ऊपर क्लिक करनी है, तो आपका जो एंटीवायरस होगा इसको हमने बंद करना है, तो आप भी बंद कर लें। मैं इसको 1 घंटे के ऊपर रख के
तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे कंफर्म भी करना है कि आप जो एंटीवायरस बंद कर रहे हैं वो बंद हुआ है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं एंटीवायरस बंद हो चुका है। तो ये मिरेकल है, मेरे पास क्रैक है दोस्तों, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कैसे डाउनलोड करना है, और यूएसबी के ड्राइवर जो कि एसपीडी के यूएसबी ड्राइवर हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अब दोस्तों मैं यहां पे इसका डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूं। आपने किस तरह ओपन करना है, यहां पे आप नीचे यहां पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे डिवाइस मैनेजर, ये डिवाइस मैनेजर है दोस्तों। यहां पे जब आप सर्च करेंगे ये नीचे, तो ऊपर ये डिवाइस मैनेजर आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डिवाइस मैनेजर सामने आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सारा सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि कुछ दोस्तों को नहीं पता होता तो उनको समझ आ जाए कि अगर आप कीपैड वाले फ़ोन का जो कि एसपीडी है उसका कोड खोलना चाहें तो किस तरह खोलें। जब आप मेरिकल ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कूल सेंड का जिक्र किया था, ये लिखा हुआ है कूल सेंड। अगर आपका फ़ोन कूल सेंड का है तो फिर आपने इस टैब को ओपन करना है, लेकिन हमारा तो एसपीडी का है। कूल सेंड पे भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कहेंगे तो। वैसे मेरे चैनल पे पड़ी हुई है कूल सेंड का कैसे अनलॉक होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख के तो खोल सकते हैं, या फिर आप चैनल मेरे में जाके सर्च भी कर लें कूल सेंड के पासवर्ड किस तरह अनलॉक होता है, तो वो भी। तो अब दोस्तों यहाँ पे एसपीडी पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आरडी अनलॉक। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल का कोड हमें मालूम हो जाए तो आरडी अनलॉक पे क्लिक करके तो हम ओके करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ज़रूरत नहीं है पासवर्ड की, फॉर्मेट पे क्लिक करके तो आप ओके करेंगे। तो दोस्तों फॉर्मेटिंग में कभी कभी ऐसे होता है कि फ़ोन डेड हो जाता है, इस वजह से हम पहले आरडी अनलॉक इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे हमने बूट सेलेक्ट करनी है, ये जो चूज टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है। ये एक तो मोबाइल होता है 6531, एक होता है 6531E, एक होता है 6531G, एक होता है 6531C, तो ये सारे होते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो मेरिकल का क्रैक है इसमें 6531A और E है। तो दोस्तों यहाँ पे 6531 जो E है ये मेरिकल वालों ने 65 की जगह पे 6631E लिख दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने 6631E सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो दोस्तों स्टार्ट का बटन दबाने के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बूट की जो है वो दबा के फिर आपने केबल लगानी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगानी है केबल। मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं इसी तरह से आपको दिखाऊंगा करके। तो ये मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे पहले स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ। तो यहाँ हमसे मेरिकल कहेगा कि अपना मोबाइल की यूएसबी केबल लगाएं, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं ये जो इसकी बूट की है वो दबाऊंगा, ये केबल अभी मैंने नहीं लगाई, ये बूट की मैंने दबा दी है। ये बूट की दबा के तो इसको मैं, ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लगाई है तो मेरिकल ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि हमें ये कोड बता देगा थोड़ी देर में। ये आप देख सकते हैं नीचे कोड आ चुका है, हमने जैसे कि 1 2 3 4 लगाया था वो हमें नहीं मालूम था, यानी कि वो हमें मालूम था कि वो कोड इसका नहीं है। तो उसके बाद हमने 4 बार 0 भी लगाई थी, वो भी नहीं लगी। अब इसमें या तो इसका स्क्रीन लॉक हो सकता है 0111, या हो सकता है 2111, या हो सकता है 2569। तो अब मैंने बैटरी मोबाइल से निकाल के फिर डाल के इसको ऑन किया है, ये वैसे ऑन नहीं होगा। अब हम कोड पहले लगाते हैं, ये 0111 ये नहीं लगा, दूसरा कोड है 2111,
ये भी नहीं लगा। अब तीसरा कोड है 2569। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये कोड लग चुका है और ये बिल्कुल ठीक है इसका कोड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको इस मोबाइल की फ्लैश फाइल चाहिए हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, बल्कि मैं आपको फ्लैश फाइल यहाँ पे रीड भी करके दिखा देता हूँ। तो फ्लैश फाइल हमें रीड करने के लिए यहाँ पे दोबारा वापस जाना है, यहाँ पे रीड के ऊपर क्लिक करनी है और ये SP6631E इसको हमने नहीं छेड़ना बल्कि स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो दोबारा से मेरेकल हमसे कहेगा कि अपना मोबाइल जो है उसको कनेक्ट करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि पहले मैंने आपको दिखाया है। तो अभी मैं बटन दबा के तो इसमें केबल लगा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये फाइल रीडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं फाइल रीडिंग शुरू हो गई है और ये मेरे पास फाइल आ चुकी है। तो दोस्तों इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल था XL, मॉडल था इसका क्लब, तो इसका CPU था SPD6531E था। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सेव करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।